still drive me crazy. Good morning, guys. We are doing yoga and meditation. And you have to do it too. It's really important. Guys, it's boring, but I tried, guys. हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हाल चाल हैं आपकी? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे. अगर अच्छे नहीं है तो आज का व्लॉग देख के डेफिनेटली अच्छे होने वाले हैं. आज हम क्या करेंगे, कुछ खास डिसाइड नहीं किया है, पर मैंने आज सोचा है कि आज मुहूर्त निकालेंगे मेरी सिलाई मशीन का. मेरे पास एक ब्लैक फैब्रिक है जो मैंने काफ़ी समय से लेकर रखा है. पहले मैं सूट बनाने वाली थी, पर मैंने सोचा है कि लहंगे से शुरू करते हैं. उस ब्लैक फैब्रिक की मैं लहंगा काइंड का स्कर्ट बनाना चाहती हूँ, ताकि फ्यूचर में मैं उसको किसी और आउटफिट्स के साथ पेयर कर सकूँ. सो वो काम करेंगे. और मेरे बहुत सारे पैकेजेस आए हैं पोस्ट ऑफिस, मुझे जाना पड़ेगा पिक करने के लिए. और सूट किस खुशी में पहना है? सूट मैंने आज पहना है, मैं टिकटॉक वीडियोस बनाना चाहती थी, अभी बनाई नहीं है. सो उन्हीं देर मुझे टाइट होकर बैठना पड़ेगा. सूट पहन के मुझे काइंड अनकम्फर्टेबल लगता है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितना टाइट है. ओके, पर वो भी दिन थे जब हम सूट पहन के सो भी जाया करते थे. पर नाउ ये है शुरुआत दिन दी. देखो दिन कितना जाना है, दिन अच्छा ही जाएगा. और या बनाना खाने लगी हूँ मैं. मेरा पूरी माने आज चल बना देना तो ना. ओके ओके. सो हिम्मत ने कहा है कि उसे पूरी खानी है, तो एक दो पूरियां बना देती हूँ इसको, अगर इसका मन करता है. ये तो खाए जितना भी अच्छा है इसके लिए. सो या हिम्मत की फरमाइश आ चुकी है पूरी की, और फिर देखते हैं क्या कर दें. हिम्मत ने बना देने हैं पहला. पकौड़े नहीं पूरी. यस. And this is mommy. Hi, mom. This is mommy, guys. And guys, this is me. Hi, guys. And this is the guy, you know. Yes. He's so crazy. Hi, guys. So, तब से व्लॉग अब बना रही हूँ. कपड़े चेंज कर लिए मैंने, क्योंकि मेरी हड्डियाँ काफ़ी दर्द करना शुरू हो गई थी. तो मैं सोने नहीं आराम करने लगी थी गर्म पानी की बॉटल लेके. वैसे तो मेरी बॉडी में पेन रहती है हमेशा, पर मेरी कोशिश होती है कि फाइट करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश करूँ और खुश रहूँ और बहुत सारी चीज़ें करूँ जैसे मैं नॉर्मल हूँ, नॉर्मल ज़िंदगी में थी कुछ महीने पहले. पर सम टाइम नहीं होता है. सो फिर मैंने ब्रेक ले ली और कपड़े चेंज कर लिए. मुझे लगा था वीडियोस बनाएंगे पर नहीं बना पाए. और ब्रेकफास्ट में हमने क्या खाया, कल के आलू बचे पड़े थे जो हमने कल ब्रेकफास्ट खाया था. और हिम्मत कहा मुझे आज भी पूरी खानी है, तो मैंने उसे पूरी बना दी. और कल हस्बैंड कह रहे थे उन्हें हलवा खाना है, तो मैंने वो बनाया नहीं था. तो आज मैंने हलवा बना लिया और पूरी भी बना दिया. हस्बैंड को ब्रेकफास्ट में हलवा पूरी दे दिया और हिम्मत ने आलू पूरी खा ली. पता नहीं उसे अचानक से मज़ेदार लगनी शुरू हो गई पूरी. सो उसके बाद मैं काफ़ी घंटे तक वहाँ पे सोफे पे आराम कर रही थी. एंड अब बजने वाले हैं 5:40 हुए हैं और मैं चाय बनाने वाली हूँ मेरे लिए गर्मा गर्म. और ये बॉटल जो मैं लेके गई थी अपनी बैग के लिए, क्योंकि आज कहाँ पे पेन हो रही है, वैसे कई जगह हो रही है पर वो टॉलरेट कर सकती हूँ मैं, क्योंकि यू नो पेन में रहने की आदत पड़ गई है मुझे. आज जो बहुत ज़्यादा इंटेंस हो रही है वो ये नेक, लाइक इस बोन में से आर्म एंड इस साइड वाली बैक, और वो नीचे तक जाती है. सो वो काफ़ी इंटेंस ही है. सो एक्चुअली अब थोड़ा बेटर हूँ मैं, पहले ज़्यादा ही शुरू हो गई थी और ऐसे ऐसे करना मुश्किल हो रहा है मुझे. सो या मैं आई हूँ चाय बनाने के लिए और पानी का बॉटल का पानी गर्म करने के लिए. तो मैंने सोचा कि व्लॉग में भी अपडेट कर देते हैं. व्लॉग करना शुरू तो कर लिया सी मैं वधिया एनर्जी के साथ और गल नहीं बनी. ओके दोस्तों, आई एम बैक अगेन. क्या करने वाली हूँ मैं, किचन को क्लीन करूँगी, क्योंकि सुबह से जब से हमने आलू पूरी खाए हैं उसके बाद मैंने किचन को क्लीन नहीं किया. मैं चाय बनाने के लिए आई थी, बना के चली गई. और डिनर के लिए आज मैं बनाने वाली हूँ वेजिटेरियन केसीडिया अगेन, पर आज मैं इंग्रेडिएंट्स डिफरेंट यूज़ कर रही हूँ.
एंड फ्राइज भी होंगी साथ में, एवोकेडो होगा एंड सार क्रीम होगा। और अब मैं कैसा फील कर रही हूँ, पहले से बेटर है पर बिल्कुल बिल्कुल अच्छा नहीं है अभी। बट मुझे लगा कि मुझे आपको बताना चाहिए कि रेयरली होता है कि मैं मेरी किचन को गंदा छोड़ के जाऊँ अपस्टेयर्स, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है। अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पेन में हूँ या बहुत एक्सट्रीम है सब कुछ, फिर मैं जाती हूँ। पर मेरी कोशिश होती है कि डिनर सर्व करूँ मैं और क्लीन रखूँ हर कुछ। तो पहले मैं क्लीन करने वाली हूँ, उसके बाद हम केसरिया बनाएंगे। मेरी कोशिश होगी कि मैं आपके साथ रेसिपी भी शेयर करूँ। और यस, दैट्स अबाउट इट। और एक और बात बताना चाहती थी, पता नहीं क्या बाल खिल रही है क्योंकि मैं सो के आई हूँ। ओके चलो चलिए। ओके दोस्तों, तो मेरी किचन अच्छी तरह क्लीन हो चुकी है। अब हम प्रोसेस शुरू करेंगे केसरिया बनाने का। केसरिया आप पैन में भी बना सकते हैं, ग्रिल करने की ज़रूरत नहीं है। पर मुझे ग्रिल की जो फिनिश्ड लुक है या वो टेस्ट है वो अच्छा लगता है, तो आज भी हम ग्रिल में ही बनाने वाले हैं। सो मैं आपके साथ शेयर करूँगी अब रेसिपी, जो मुझे भी पता नहीं है कि मैं आज कैसे बनाऊँगी। पर यार जितना होता वैसे ही चलते हैं, क्या करेंगे, लेट्स डू इट। सबसे पहले हमारा चॉपिंग बोर्ड जगह पे रखेंगे और सारे इंग्रेडिएंट्स निकाल लेंगे जो जो हमें यूज़ करनी है। मैं यूज़ करना चाहती हूँ मशरूम, स्पिनच, ग्रीन पेपर, शिमला मिर्च। मैं साइड पे थोड़ा सा सैलड भी बनाने वाली हूँ, उसके लिए यूज़ करूँगी लेटस, एवोकाडो एंड टमेटो। पनीर यूज़ करेंगे हम, थोड़ा सा पैरमेशन चीज़ भी करूँगी मैं यूज़, और ये है सावर क्रीम, और मेरे हैंडसम हस्बैंड के लिए अनियन। So we just gonna use this much. Pepper बहुत ज़्यादा fresh and crunchy and full of water है। So mushroom. सो केसरिया में डालेंगे हम ये वाली इंग्रेडिएंट्स। रेड अनियन है, पेपर है, मशरूम है, पालक है, पनीर है, कॉर्नस है। पनीर को मैं एक्चुअली काइंड ऑफ मिक्स बना लूँगी लास्ट टाइम की तरह, पर इस टाइम मैं थोड़ा क्रीमी रखूँगी उसे। और अभी सो पैन को गर्म करने के लिए रख दिया है मैंने, तब तक मैं लेटस को काट रही हूँ साइड सैलड के लिए। Sprinkle some parmesan cheese. So we're gonna put is olive oil. So a little bit cumin, onion, मैंने ऐड किया है टोमेटो पेस्ट। और इसको मिक्स करने के बाद मैं इसमें थोड़ी सी क्रीम ऐड कर दूंगी 10%, एंड देन हम ऐड करेंगे पनीर। इसको अराउंड 5-10 मिनट्स कुक होने देंगे ताकि पनीर में मसाला मिक्स हो जाए, और हम हमारी फ्राइज की तैयारी कर लेते हैं तब तक। ये मखे की एक्स्ट्रा क्रिस्पी फ्राइज को मैं डालने वाली हूँ एयर फ्रायर में, और इसे हम कर लेंगे एयर फ्रायर। एंड हिम्मत के लिए भी है, अगर आप जाना चाहते हैं एयर फ्राई कौन सा है, ये है अमेजोन से, सिंपल टेस्ट। इसे हुक करेंगे हम 15 मिनट्स। सो फ्राइज हो रही है 15 मिनट्स में, सैलड हमारा तैयार है, पनीर ऑलरेडी हो चुका है, सारी सॉस काइंड फिनिश हो गई है, और इसे हम कर देंगे बंद एंड लीव इट। एंड अब देरी किस चीज़ की है, हस्बैंड मेडिटेट कर रहे हैं इस समय, पर देरी फ्राइज़ की वेट हो रही है। उसके बाद हम असेंबल करेंगे हमारे केसरिया को। सो वाइट टॉर्टिया यूज़ करूँगी मैं। एंड अदर चीज़ है कि अगर पत्नी मेरे जैसी गुणकारी हो तो बंदे को क्वारंटीन क्या कुछ भी बंद हो जाए फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग मैक्सिकन दे रहे हैं हस्बैंड को बना के, चाइनीज दे रहे, इंडियन दे रहे, अफगानी दे रहे, और क्या चाहिए था दुनिया से, इटालियन दे रहे।
लज़ानिया बनाया था लास्ट डे मैंने, और आज एक्चुअली मैं लज़ानिया बनाने वाली थी पर मेरे पास वो बेकिंग ट्रे नहीं है और मेरा मन नहीं था बाहर कहीं आए फालतू जाओ, क्योंकि बाहर जाके आओ तो फिर शक पड़ जाता है दिमाग में कि यार कोरोना तो नहीं हो गया, क्योंकि कोई ना कोई तो आपको कफ करता मिल ही जाएगा। सो यार इसलिए मैं नहीं गई, मे बी मैं अमेज़ॉन से खरीदूँगी। और अब मैं फ्राइज़ की वेट कर रही हूँ, तब तक मेरे हस्बैंड की मेडिटेशन फिनिश हो जाएगी। ही इज़ वेरी गुड एट मेडिटेटिंग, वो काइंड ऑफ रोज ही कर रहे हैं आजकल। और मैं भी एक्चुअली गई थी मेडिटेट करने के लिए उनके साथ, पर फिर क्या हुआ कि मुझे लगा कि हिम्मत को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि वो कोई ना कोई शैतानी करता है। सो उनके करने के बाद मैं करूँ। फ्राइज़ को होने के लिए 11 मिनट पड़े, 11 मिनट की करिए हम बयान नया थोड़ी देर। लेट्स चेक ऑन फोन टॉकिंग टू समवन हाइडिंग फ्रॉम मी, ही इज इन ट्रबल, ही इज चीटिंग, व्हाट इज दैट, वी हैव टू चेक। Where is he? Can you hear him? हाँ, नहीं नहीं, तू 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 बुक जो तो बुक कराया हो तो उधर कुछ भी नहीं, तो खाली सी की जगह। Okay, he's not. Let's go. Damn. Dinner. यार हस्बैंड टॉकिंग ऑन फोन, ही इज क्रेजी मैन। इधर पकवान बन दे आ, हस्बैंड पता नहीं केड़ियां गल्लां जे पे आ। चल कोई नहीं, हाय सानू भी 5-7 मिनट चाहिए। ओके दोस्तों, तो फ्राइज क्रिस्पी हो चुकी हैं, अब हम केसरिया को असेंबल कर लेंगे। सबसे पहले लेंगे रोटी, उस पर लगाएंगे हम थोड़ा सा केचप, ज़्यादा नहीं, और नन्नी सी माइनस, ज़्यादा नहीं, इसे करेंगे स्प्रेड। ला 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 ला। ओके, गाना हो गया, वरना अब इस पर स्पिनच रख देते हैं अच्छी तरह। मैं हाफ ही साइड पे रखूँगी क्योंकि दूसरी साइड हम बंद कर लेंगे ना। ओके, थोड़ी सी मशरूम रख लेते हैं, आई एम नॉट वेरी श्योर कि हस्बैंड मशरूम के फ़ैन हैं या नहीं, पर मैं हूँ। अब रखेंगे पनीर, इन्ना पनीर आई थिंक इनफ है, ज़्यादा नहीं भरेंगे, स्प्रेड कर लें लाइक इवनली हो जाए हर तरफ। अब इस पर हम थोड़ी सी कॉर्न्स भी डाल देते हैं। आपको हूबहू सेम चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, अपनी मर्ज़ी की इंग्रेडिएंट डालें जैसे भी आपको अच्छा लगे। अब हम इस पर डालेंगे मिक्स मैक्सिकन चीज़ लाइक चेडर एंड मोज़रेला का मिक्स है। हस्बैंड बहुत ज़्यादा चीज़ के फ़ैन नहीं है, सो बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। इस पर थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डालने वाली हूँ मैं, क्योंकि मैं चिली डालना भूल गई हूँ अदरवाइज। सो इस तरह का दिख रहा है, अब हम इसे करेंगे बंद और ग्रिल कर लेंगे। सो करेंगे अराउंड 5 मिनट्स। सो हम लेंगे सावर क्रीम, इसे डालेंगे इस पे, इसे कर देंगे स्प्रेड। अब केसरिया रखेंगे, फ्राइज रखेंगे एंड सैलेड। एक्साइटेड मीमी डैडी नू लेके आओ, क्या डिनर डैडी रेडी है, तो क्या डिनर से नहीं, इतों नहीं इतों से मैं भी आवाज मार लेनी, ऊपर जाके लेके आ जा चमची है जी। माय ग्लोरियस समय आ चुका है, क्योंकि मैं मेरी फ्रेश बेजल में से 2 पत्ते लेके हमारी सावर क्रीम पे लगाने वाली हूँ। सो एक्साइटेड, इतनी ज़्यादा खुशबू है ना इसकी फ्रेश की। सच अ क्यूटी पाई। केसरिया ऑलमोस्ट रेडी है, पति रेडी नहीं है। दिस इज डिनर, तो ये लेट हो गया नचल अपने, ना कर हैंड्स ऑफ हैट्स ऑफ। ओए बाल तो मैं कट दिया, मैक्सिकन चाइनीज इटालियन इंडियन तो मैं खवानी है, थोड़ी नाई भी है मैं तो थोड़ी शेफ भी। पिछले जन्म च मैं कोई बढ़िया काम कीते हां, ले शुक्र है। ओ पहली बार ये आई हो प्यारी, खाना ठंडा हो गया वे। आ देखियो आप बेसिल है ना जेडी फ्रेश है, उठो गार्डन तो लाइए उठे बैठो। अरे यार इत्थे बैठ के खाना, मैं टीवी देखवा।
ओके दोस्तों, तो दिन खत्म हो चुका है और हमारा डिनर हो चुका है और मैं बहुत टायर्ड हूँ. क्या मैं अब सोने के लिए जा रही हूँ? नहीं, मैंने लॉन्ड्री डाली थी क्लीन करने के लिए, उसको मैं थोड़े से जो कपड़े मुझे चाहिए फिलहाल के लिए वो मैं लेने आई हूँ. देखती हूँ, अगर मुझे अच्छा फील होगा तो मैं थोड़ा को फोल्ड कर लूंगी, अदरवाइज कल करेंगे. ज्यादा कल करने की जरूरत नहीं है. सो यस, दैट्स अबाउट इट. मुझे लगता है कि आपने आज का व्लॉग इंजॉय किया होगा. अगर किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, मुझे मेरे सोशल मीडिया पर फॉलो करें और जो भी आप मेरे लिए कर सकते हैं सब कुछ करें, क्योंकि वो बहुत जरूरी है. मैं मिलूंगी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें. बिल्कुल मत भूले दोस्तों, यू गाइज आर ब्यूटिफुल जस्ट द वे यू आर. स्टे हैप्पी, कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग. वी गाइज कैन डू एनी फ्रीकिंग थिंग. ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन. दैट्स इट. आई लव यू गाइज सो मच. बाय.